में काउंटर अटैक की कामयाबी के बीच जेलेंस्की के 37 शहर कांप रहे हैं। इन शहरों को जल्दी से जल्दी खाली करने का ऑर्डर हुआ है और आशंका जताई जा रही है कि इन शहरों में रूस की सेना किसी भी वक्त कहर बरपा सकती है। कुपियांस्क पर पुतिन ने युद्ध के शुरुआती दौर में ही कब्जा कर लिया था, लेकिन जेलेंस्की ने इसे छीन लिया और अब दोबारा कब्जा करने के लिए रूस रक्तपात मचाने के लिए रेडी है। सैंतीस शहर, 37 हमले, बच गए बस 37 घंटे। यूक्रेन का कुपियांस्क, हर एक सेकंड सांस अटकी है 37 शहरों के बाशिंदों की। सिर्फ एक मिसाइल और कुल खानदान सबका विनाश। कुपियांस्क इलाके के लोगों के पास घर छोड़ देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। लोग कहां जाएं, क्या करें? जेलेंस्की की जिद और पुतिन की इच्छा के बीच यूक्रेन के 37 शहरों पर मौत का साया मंडरा रहा है। यूक्रेन की सरकार घूम घूम कर लोगों को अपने आशियाने छोड़ उनके साथ चलने की अपील कर रही है। यूक्रेन की सरकार ने पूर्वी खार्कीव क्षेत्र के 37 कस्बों और गांवों से लगभग 12,000 नागरिकों को अनिवार्य रूप से निकालने का आदेश दे दिया है। इससे पहले बखमूत, सोलेदार जैसे शहरों का समूल नाश कर देने वाली रूस की सेना कुपियांस्क को खाक में मिलाने के लिए चल चुकी है। किसी भी वक्त इस इलाके को रौंदने वाली है। तस्वीरें आ रही हैं कि यूक्रेन की सेना प्रतिकार के लिए करारा जवाब देने के लिए तैयारी कर रही है। लेकिन इस बीच उनका क्या करें जेलेंस्की, जिन्होंने हथियारों की ट्रेनिंग नहीं ली है, लिहाजा शहर दर शहर खाली कराया जा रहा है। लेकिन कुपियांस्क पर ही पुतिन के इस वक्त नजर टेढ़ी क्यों हुई, इसका कारण जाने बिना ये समझने में दिक्कत होगी कि पूरे खार्कीव में अभी क्या चल रहा है। आपको याद होगा कि यूक्रेन के 4 इलाकों को पुतिन ने रूस में मिलाया था जनमत संग्रह कराकर। खार्कीव उन्हीं में से एक है। लेकिन अब खार्कीव में जेलेंस्की घुस आए हैं। इससे पहले सितंबर 2022 तक कुपियांस्क शहर और इसके आसपास के क्षेत्र रूसी कब्जे में थे। इसके बाद यूक्रेन की सेना ने तेजी से आक्रामक अभियान चलाया और रूस की सेना को इस इलाके से खदेड़ दिया। इन क्षेत्रों से रूस की सेना को बाहर किए जाने के बाद ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जो कहा उसे समझने की जरूरत है। अगर हमारे सैनिकों के पास अतिरिक्त हथियार आपूर्ति हो तो रूस को और अधिक करारी शिकस्त दे सकते हैं। कुपियांस्क में पुतिन को क्या मिलेगा, इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। इसे मैप पर समझने की कोशिश करते हैं। कुपियांस्क खार्कीव के पूर्वी इलाके में है। कुपियांस्क शहर रूस की सीमा से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। खार्कीव पर पूर्ण कब्जे के लिए कुपियांस्क की जीत बहुत जरूरी है। कुपियांस्क का किला गिराकर पुतिन की सेना खार्कीव के दूसरे इलाकों में घुसना चाहती है। इसके पहले कुपियांस्क 27 फरवरी 2022 यानी युद्ध छिड़ने के सिर्फ 3 दिन बाद से लेकर 10 सितंबर 2022 तक रूस के कब्जे में था, लेकिन इसके बाद यूक्रेन के हाथों में चला गया। धीरे धीरे हालात ऐसे बन गए कि पूरे खार्कीव पर भयानक खतरा मंडरा रहा है। रूस की सेना कुपियांस्क में भयानक जंग लड़ने वाली है। असल में पुतिन यूक्रेन में एक साथ पर कई फ्रंट पर यूक्रेन को करारा जवाब देना चाहते हैं। पिछले एक महीने में यूक्रेन पर रूस के ड्रोन हमले दोगुने से भी ज्यादा हो चुके हैं। मिसाइलों की मार भी बढ़ा दी गई है, लेकिन जमीन पर रिपोर्ट आती है तो यूक्रेन स्लो लेकिन बढ़ रहा है। पुतिन के पास इस सूरत में कोई दूसरा विकल्प क्या हो सकता है कि इतने हमले करो कि सब राख हो जाए। पुतिन वही कर रहे हैं।
अब आते हैं पूरे खार्कियो पर। आपको कीव पर हुए हमलों की डिटेल भी दिखाएंगे, लेकिन पहले खार्कियो वाली रात। यूक्रेन के कीव के बाद खार्कियो दूसरा सबसे बड़ा शहर है। खार्कियो शहर की स्थापना 1654 में हुई थी। 1820 में यूक्रेनियन राष्ट्रीय आंदोलन का खार्कियो केंद्र बना था। 1920 से लेकर 1934 में सोवियत रिपब्लिक ऑफ यूक्रेन की राजधानी बनाया गया था ये शहर। खार्कियो सोवियत संघ और जर्मन सेना के बीच जंग का केंद्र बना था। 1941 के दिसंबर महीने से लेकर जनवरी 1952 तक इस शहर में नाजी जर्मनी ने हजारों यहूदियों को मौत के घाट उतारा था। खार्कियो में रूस समर्थक लोगों की बड़ी संख्या मौजूद है। पहचान, बोली और रहन सहन के मामले में खार्कियो यूक्रेन का एकलौता शहर है जो रूस से मेल खाता है। लिहाजा खार्कियो रूस का बहुत आसान टारगेट है। रूस की सीमा पर बसे अपने जैसे शहर पर इसलिए रूस की सेना ने युद्ध के बिल्कुल शुरुआत में ही कब्जा कर लिया और अब दोबारा कब्जे के लिए रूस की सेना कूच कर रही है। खार्कियो के पूरी तरह हाथ में आने का मतलब होगा कि पुतिन दक्षिणी यूक्रेन पर फोकस कर सकेंगे। यहाँ भी हालात बेहद गंभीर है। ज़ेलेंस्की की अज़ोव सागर तक पहुँचने की इच्छा के बीच रूस के कब्जे वाले कई शहर जैसे बर्दियांस्क, मेलितोपोल, मारियोपोल, यहाँ तक कि क्राइमिया तक पर संकट आने वाला है। ज़ेलेंस्की ने भी ड्रोन हमलों की रफ्तार तेज कर दी है। मॉस्को की ओर जाते हुए एक यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराने की रूस की सेना ने बात कही है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि सेना ने 9 तारीख की रात 13 यूक्रेनी ड्रोन्स मार गिराए। इनमें से 11 ड्रोन्स को क्राइमिया के पास मार गिराया गया। उन 11 में से 2 ड्रोन्स को क्राइमिया के सेवेस्तोपोल शहर के पास मार गिराया और 9 को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए मारकर ब्लैक सी में गिरा दिया गया। वहीं अन्य 2 ड्रोन्स को राजधानी मॉस्को के पास मार गिराया गया। रूस के दावों और आंकड़ों के बीच सच का एक पहलू और है और वो कहता है कि क्या पुतिन के महल क्रेमलिन के ऊपर यूक्रेन धमाका करता है। अभी कुछ हफ्ते पहले यूक्रेन का यही दुस्साहस पुतिन को गुस्से से भर देता है। पुतिन यूक्रेन को जलते देख सकते हैं, लेकिन जब बात अपने देश की आती है तो बहुत स्वाभाविक है कि पुतिन का खून खौलने लगे। यही हो रहा है और इसकी तस्दीक की तस्वीरें यूक्रेन के मैदान से आ रही हैं। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। मतलब रूस और यूक्रेन के बीच 17 महीने से भी ज्यादा समय से चल रहे युद्ध में अब दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। एक समय सिर्फ रूस हमले कर रहा था और यूक्रेन अपना बचाव, लेकिन अब दोनों ही दुश्मन के हमलों को रोकने की कोशिश में लगे हैं। 24 फरवरी 2022 को शुरू हुए इस युद्ध की वजह से अब तक यूक्रेन में जान माल का भारी नुकसान हो चुका है और कई शहरों में भीषण तबाही मच चुकी है। शांति की नई कोशिशें की जा चुकी हैं, लेकिन उनका नतीजा शून्य रहा है। उस पर हालात इतने गंभीर हो चले हैं कि जिन इलाकों में अब युद्ध हो रहा है वहां पहले से भी भयंकर रक्तपात मचा है। पुतिन की समझ साफ होने के बाद कि जंग हाईटेक हो चुका है, रूस की सेना जबरदस्त वॉर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। अभी कुछ घंटे पहले रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला बोला है। कीव पर लगातार हमले हो रहे हैं। शहर में करीब करीब रोजाना सायरन गूंज रहा है। कीव के लोगों के दिलों में दहशत कायम है कि कब वो किसी रूस की सैनिक की गोली के शिकार हो जाए या मिसाइल के मलबे में दबकर मर जाए या रॉकेट हमले में मिट्टी में मिला दिए जाए। कीव में तो आलम यह है कि जब से युद्ध छिड़ा है राजधानी के लोगों की सांस अटकी है। खार्कियो में ज़ेलेंस्की की दोबारा हार कीव के भाग्य को भी पलटने वाली हो सकती है। लिहाजा ज़ेलेंस्की अपने नागरिकों को सिर्फ शहर छोड़ने का ऑर्डर नहीं दे रहे बल्कि रूस को करारा जवाब देने की तैयारी भी कर रहे हैं। अब देखना है कि कुछ दिनों में कुप्यांस किसका होता है, ज़ेलेंस्की का रहता है या पुतिन का हो जाता है। ज़ेपोरेज़िया का हाल ये है कि यहाँ यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है जो रूस के कब्जे में है, लेकिन ज़ेपोरेज़िया शहर पर ज़ेलेंस्की का कब्जा है। ज़ेपोरेज़िया पर पुतिन पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं। ज़ेपोरेज़िया के गवर्नर का कहना है कि पिछले 24 घंटे में रूस ने 2 आक्रमण किए हैं। इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है, 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं।
पुतिन के पास वक्त बहुत कम है। अगले 4 महीने में यूक्रेन में बरसात शुरू हो जाएगी और वही कीचड़ वाले दिन लौट आएंगे। पिछले साल यूक्रेन के कीचड़ों ने रूस के टैंकों का कछूमर निकाल दिया था। यूक्रेन रूस के टैंकों का कब्रिस्तान बन गया था। एक तो कीचड़ और ऊपर से यूक्रेन की सेना के पास अमेरिका वाला जेवलिन। पुतिन इस बरसात से पहले कुछ ठोस करना चाहते हैं। इसकी तैयारी बेलारूस में दिख रही है। पोलैंड के बॉर्डर पर वैगनर आर्मी के टेंट की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। लेकिन खार्किव से पहले पुतिन कहीं भी इस वक्त तेजी से आगे बढ़ने में समर्थ नहीं है। यूक्रेन के कैलेंडर में हर रात मौत लिखी जा रही है और कब तक लिखी जाती रहेगी फिलहाल तो कोई नहीं जानता।